कैसे हैं आप सब? तो रमजान वाले ब्लॉग्स में ये सबसे पहला ब्लॉग है मेरा। बाल ही नहीं सेट होके दे रहे, ठीक है अभी ना ही हूँ मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इसलिए। और आज मेरा रोजा है, शुरू से ही मेरे सारे रोजे हैं, वैसे सबके भी सारे ही होंगे, नहीं रख रहे तो रख लें। आज मैंने रोजा जो रखा है ना सहरी, आप लोग को दिखाना भूल गई। भूल गई थी? नहीं भूली नहीं थी, क्यों नहीं दिखाई थी? खुद ही सुन लो आगे। जब मैंने रोजा रखा ना, बड़े गुस्से में ही रखा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मीठी चीजें नहीं पसंद और चाय पराठा खाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने रोजा तो रखा है लेकिन पानी से रखा है खाली। लेकिन फिर भी मुझे रोजा लग नहीं रहा। दूसरी बात, अभी मैं उठी हूँ, मतलब 4 बजे उठी हूँ। रमजान में मैं 4 बजे उठती हूँ, मतलब लेटे रहती हूँ, उठने का दिल ही नहीं करता। फिर उठी हूँ, फिर नहाई धोई हूँ और फिर अब जाऊंगी, जो करना होगा करूंगी। ज्यादा कुछ तो नहीं करती मैं, लेकिन फिर भी आप लोग को मैंने बोला था ना कि मेरी घर की रूटीन बहुत बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो घर के ब्लॉग बनाओ, डेली ब्लॉग बनाओ। क्या ब्लॉग बनाऊँ घर के, ऐसी बोरिंग सी रूटीन आप लोग को दिखा के खुद भी बोर होती रहूँ। मतलब मैं तो बोर होती रहती हूँ, साथ साथ आप लोग को भी बोर करती रहूँ। आप खुश हैं इसके साथ, मतलब इस रूटीन के साथ? मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। असर की अजान हो गई है, थोड़ी देर में नमाज पढ़ूंगी। बाहर अबू आ गए हैं, पता नहीं किस पे गुस्सा कर रहे हैं, जाके देखते हैं। तो अब हम करने लगे हैं लेश कर्ण, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, जाहिर सी बात है ब्लॉग बना रहे हैं। अब काफी लोग ये चीज, ये वाली चीज जो है मीन्स में देख के कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर ये क्या है, क्योंकि लिखा होता है ना लेट्स कंफ्यूज बॉयज। बॉयज हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं बता देती हूँ। Hey, y'all, come look at this. लेश कर्ल है, इससे लेशेस को कर्ल किया जाता है। अब बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, ये कर्ल है और कुछ नहीं है। आई होप यू गॉट इट। हाँ, आप लोग को थैंक्स भी कहना था, क्योंकि कहाँ मेरे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे थे और अब आप लोग की वजह से 3K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कंप्लीट, और फर्स्ट टाइम भी होने ही वाला है। बस मैं व्लॉग बनाने में थोड़ी सुस्ती करती हूँ, इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोग की वजह से ही। हम बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे भी नमाज ही पढ़नी है और फिर जाके बनाना है खाना पीना। ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी मैं बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती मैं, मेरी अम्मी बनाती हैं, कभी कभी बना लेती हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच। और अब नमाज पढ़ते हैं, बहुत लेट हो रहा है। इसको पढ़ते हैं नमाज, शीशा गंदा हो गया, वैसे इसको रात को साफ करते हैं। तो ये रही जा नमाज। ओ, ये मैंने फूल रखे थे यहाँ पे ताकि कमरे में खुशबू होती रहे, मोती वाले फूल होते हैं ना ये, और ये, लेकिन अब ये सूख गए हैं। सो कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, नमाज पढ़ते हैं वहाँ। रोजा लग रहा है? सहरी में क्या खाया था? चाय और पराठे। अजान का रोज़ है? क्यों, वो भूखा है? उसने रोजा तोड़ा था ना? क्या खाया था उसने? हलवा। हलवा खाया था? हलवा तो नहीं खाया था, वो तो कह रहा था कि मैंने चॉपस्टिक खाई थी। उसको बुलाती हूँ। अजान है ना आज, तो छा खा दो यो रोजे में। चॉपस्टिक खाए भी थोड़ी यार। सो यहाँ मैं टैंग और नींबू पानी को मिक्स करके अपना ये एक फ्लेवर बना रही थी, साथ ही हम लोगों ने इफ्तारी भी कर ली। इफ्तारी के बाद मैं चाय बना रही थी, क्योंकि चाय बनाना तो समझो मेरी जैसे प्राइवेट नौकरी है, हर हाल में करनी ही पड़ती है। रोज़ा खुल गया है एवरी घर। और अच्छा, रोज़ा खोलने के बाद कोई ऐसी मुझे शदीद सुस्ती हुई थी कि वो मेरे मुंह से ही पता चल रहा होगा आप लोग को। चाय शाय बना ली है, चाय वहाँ रखी है, अभी पी नहीं है, बस सुस्ती बहुत हो रही है। वैसे मुझे रोजा खोलने के बाद सुस्ती नहीं होती है, लेकिन आज हो रही है। शायद वो ही रिएक्शन, सुबह जब मैंने बगैर कुछ खाए रोजा रखा है, उसका रिएक्शन ही हो रहा होगा, तभी शायद सुस्ती हो रही है। सुस्ती है, मुझे ये होता है कि मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे हाथों में दर्द होता है। और मैंने नोट किया है कि हाथों को यूं खोल लेते हैं ना, इनके हाथों को यूं खोल लेते हैं ना, फिर हाथों में दर्द नहीं होता। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, जब आप लेटे हैं ना सोने के लिए, दोनों हाथ यूं सीधे खोल लें। और ना अक्सर होता है कि जब हम सोते हैं, सोने लगते हैं या सोते हैं, हमारी मुट्ठियाँ यूं बंद होती हैं,
आपने यूं खोलोगे ना एकदम सुकून मिलेगा आपको, ट्राई कीजिएगा। हाँ तो बता रही थी कैसे सोना है ऐसे, यानी कि हाथों को रिलैक्स रख के खुला छोड़ के, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे भी हाथ यूं खुले छोड़ के सो जाते हैं क्योंकि वो रिलैक्स रहते हैं। हम लोग जो बड़े बंदे हैं ना वो हाथों को यूं जकड़ के सोते हैं स्ट्रेस में, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए मैंने भी ये ट्राई किया। मैंने भी कहीं से सुना ही था, किसी मूवी में सुना था, जिसका वो बना नहीं है जहन सी, उस मूवी में मैंने ये सुना था, तो मैंने भी ट्राई किया। फिर वो तो ऐसी उसको एज अ जॉक बता रही होती है, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो वाकई मैं रिलैक्स हो गई। अभी जब भी मुझे थकावट होती है ना मैं हाथ यूँ खोल लेती हूँ सीधे और लेट जाती हूँ तो सुकून मिलता है। बाज दफ़ा मैं काफ़ी रूड हो जाती हूँ, जो बातें मैं ब्लॉग में बता भी देती हूँ ना कि मैं, चलो मैं सिंधी हूँ या मैं कराची से हूँ, वही बातें मुझसे मैसेज में आप लोग बार बार पूछ रहे होते हो। अब एक बंदी जब हर चीज़ बता रही है उससे आप वही चीज़ पूछोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। और काफी लोग कहते हैं कि आप ब्लॉग में ऐसी लगती तो नहीं हो और रियल में तो आप बड़ी रूड हो, मतलब मैसेज का रिप्लाई तो बड़ी रूडली देते हो। तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन से मैसेजेस फजूल के हैं और उनको मुझे कैसे हैंडल करना है, यानी कि उनको मैंने कैसे रिप्लाई देना है। मैं जस्ट काम के जो हवाले से जो मैसेजेस होते हैं जस्ट उनको रिप्लाई करती हूँ। फजूल के अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि आप कहाँ से हो, आप कराची की हो, आप सिंधी हो, तो ये बातें तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, और जब पता है तो आप दोबारा मुझसे पूछोगे तो कहाँ निकल गई मैं, थक गई हूँ मैं बहुत रोज़ा खोलने के बाद। सोच रही हूँ कि ब्लॉग शहरी तक चलाएं या ब्लॉग शहरी तक ना चलाएं। शहरी तक नहीं चलाते, शहरी का ब्लॉग ना कभी फिर कभी अलग से बनाएंगे, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अजाने भी हो रही हैं। सो नमाज इशा की पढ़ पढ़ के देखते हैं ब्लॉग एंड करना है कि नहीं करना है, सोचते हैं। अभी हम कुछ पोस्ट करेंगे, अजान हो रही है, खामोश हो जाते हैं। पहले तो बताती हूँ क्या कहना है। सो अनफॉर्चुनेटली लाइट ने भी उसी दिन जाना होता है जब मैंने ब्लॉग बनाना होता है। सो मैं छत पे आ गई, अपनी छोटी सिस्टर को बोला कि मेरी कुछ रील्स बना दे, स्नैप्स बना दे। बड़ा कैसे करें, आपको तो पता है हमारे घर की रूटीन कुछ होता ही नहीं है दिखाने को, तो ब्लॉग बड़ा कैसे कर सकते हैं। लाओ पैसे दो, बाहर जाऊं घूमूं फिरूं। पैसे दोगी तो बाहर जाके घूमूंगी फिरूंगी ना, तो मैं कैसे बाहर जाके घूमूं फिरूं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही थी, पोस्ट करते करते मैंने देखा कि खुशहाल खान ने भी पोस्ट किए, और यार वो बंदा कितना प्यारा है। हम लोग को यही कहती हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, उसकी आप तारीफ कर लिया करो। तो पता नहीं क्या मसले है। हाँ शुक्र याद आए हुए आपने। हाँ तो मैं ये कहती कि खुशहाल खान अच्छा बंदा है यार, और एस्थेटिक भी। उसकी पोस्ट वगैरह देखती हूँ ना मैं, तो शुरू में उसने अपनी पिक्चर लगाई होती है, फिर स्वेप करो तो पहाड़ों की, पौधों की, फूलों की, एस्थेटिक सी। लेकिन ये लोग बिल्कुल एस्थेटिक नहीं है, पता नहीं क्यों ड्रिल मशीन है, घुसान है। वेल तो हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आने जैसा है तो नहीं, वैसे बोरिंग सा ब्लॉग था, लेकिन फिर भी पसंद नहीं आया है तो पसंद करने की कोशिश करें और इग्नोर करें, बाय। अच्छा हाँ सब्सक्राइब लाजमी कर लें यार, ये बात मैं नहीं बोलती लेकिन आप लोग कर लें।